मेरे ऊपर कोई बुरी नजर तो नहीं है? माय गॉड, 3 आवर्स 3 घंटे के लिए। अरे यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अपने फोन का पासवर्ड ही भूल गई हूँ, वो खुल ही नहीं रहा। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, इतना ट्राई किया कि अब वो कह रहा है कि अब घंटे बाद ट्राई करना। सी, ये मैं वीडियो अपने भाई के फोन से बना रही हूँ, लिखा है कि ट्राई अगेन इन 1 आवर। अरे यार, आपको बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैं अपना फोन यूज कर रही थी, मेरे फोन में एक मैसेज आया आईफोन से कि सॉफ्टवेयर में एक अपडेट आया, क्या आप अपडेट करना चाहते हो। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन था कि हम अभी अपडेट करना चाहते हैं या फिर बाद में। तो मैंने बोला कि बाद में, क्योंकि मैं अपना कुछ काम कर रही थी। तो जब मैंने बाद में क्लिक किया तो वहां पे आया कि आप अपना पासवर्ड बताइए फोन का। तो मैंने अपना पासवर्ड क्लिक किया, बट वो बताया कि इनकरेक्ट है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला कि हो सकता है मैंने अपना पासवर्ड बहुत बार चेंज किया, तो हो सकता है मैं कोई पुराना पासवर्ड डाल रही हूं। मैं उस ऑप्शन को हटाने लगी, वो जो अपडेट वाला ऑप्शन आया था, बट वो ऑप्शन हट नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने अपना साइड वाला बटन दबा दिया। जैसे होता है ना कि हमारा फोन हैंग करता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, उसे हम हटाते नहीं हटता, तो हम अपना साइड वाला बटन ऑफ करके ऑन करते हैं तो वो हट जाता है, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो जब मैंने वो सॉफ्टवेयर वाली चीज हटाई, जब मेरा पासवर्ड गलत बताया, तो वो हट ही नहीं रहा था। तो मैंने अपना फोन ऑफ करके ऑन किया, तो देखा मैंने कि फेस आईडी से भी नहीं खुल रहा, इनकरेक्ट बता रहा है। तो फिर मैंने बोला कि चलो पासवर्ड डालते हैं। तो मैंने पासवर्ड जब डाला तो वो खुल ही नहीं रहा है। फिर मैंने दोबारा पासवर्ड डाला तो उसने बोला कि 30 मिनट बाद ट्राई करना। फिर मैंने सोचा यार क्या हो सकता है। जब 30 मिनट्स हो गए तो फिर मैंने ट्राई किया, तो बोला कि 1 मिनट बाद ट्राई करना। तो मैं फिर से और डर गई। फिर मैंने ट्राई किया तो वो कह रहा है कि आप 15 मिनट बाद ट्राई करना। तो मैं डर गई यार कि मेरा पासवर्ड आखिर है क्या। मैं याद कर रही थी यार कि क्या मैंने पासवर्ड डाला हो, क्या पासवर्ड डाला हो। लेकिन जब भी वो टाइम था ना कि 15 मिनट बाद आप ट्राई करना, उसमें जब मुझे कोई अपना एक पासवर्ड याद आ रहा था, तब मैं एकदम कंफर्म थी कि अब यही हो सकता है। 15 मिनट्स के बाद मैंने ट्राई किया तो वो कह रहा है कि नहीं, ये भी गलत है पासवर्ड, 1 घंटे बाद। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया, मैंने बोला कि तुम अपने फोन से देखो कि अगर हम अपने आईफोन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम क्या करें। तो वीडियो हमने देखा, उसमें सब यही कह रहे हैं कि आप अपना फोन को एक वायर से कनेक्ट करिए एंड दूसरा वायर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करिए। बट हमारे पास ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी से ले सकते हो, या फिर आप एप्पल स्टोर पे जा सकते हो, वहां से आप उनसे खुलवा सकते हो। तो अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो आई थिंक अब मुझे जाना ही पड़ेगा। जो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छे से हुई थी, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। बट मैं अपना ब्रेकफास्ट ही कर रही थी एंड मैं अपना काम कर रही थी एंड अचानक से ये चीज हो गई। मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि ये चीज होने वाली है। देख सकते हो अभी भी 1 आवर नहीं हुए हैं, मुझे अब जाना ही पड़ेगा एप्पल स्टोर। अब जाना पड़ेगा, पापा के साथ जाना। मम्मी कह रही है कि अकेले मत जाओ, पापा आएंगे तो उनके साथ जाना। कह रही है दिमाग ठंडा करके याद करो, इतना ठंडा करे इस टाइम पे, दिमाग डिस्टर्ब। 7-4 भी ट्राई कर चुके हैं, 4-7 4-7 नहीं किया है। तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। 9-6 भी नहीं किया। अरे यार, ऐसा पासवर्ड लगाने इतना हार्ड। मैं तो अपने बर्थडे का लगाया, जितना मुझे याद था मैंने उतना ट्राई कर लिया। फेस लॉक भी तो खुल जाना चाहिए यार, फेस लॉक क्यों नहीं खुल रहा। वो सिर्फ उस अपडेट की वजह से हुआ है सारा। देखो देखो सी, हाँ देखिए इसमें कैमरे में अच्छे से मेकअप मैंने किया, रोल कर रहा है, पता रीडिंग कर रहा है। मत करो, चारा लाओ। सुनो, 6996 मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है। भगवान जी का नाम लीजिए, पक्का हो जाएगा। अरे यार, रोना आ रहा। ट्राई किया था आपने लास्ट टाइम, कब चेंज किया था? मतलब लास्ट टाइम 2 महीने हो गए। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, जब भी मैं खोलती थी तो ऐसे मैंने खोला, फेस आईडी से खुल गया फोन, तो इस लॉक का मैंने यूज ही नहीं किया 2 महीने तक। यार यहाँ पे रिस्टार्ट का भी तो ऑप्शन नहीं आ रहा। 4-7 4-7 ट्राई करूँ क्या? अगर नहीं खुला तब कितने अब तो 1 घंटा हो गया, अब 24 आवर के लिए होगा क्या? 24 आवर के लिए होगा कि 365 डेज के लिए होगा, हमको नहीं पता। और हो ही नहीं रहा यार, आप नाटक जान मुझे नहीं कर रही हैं कंटेंट के लिए, ये बता दीजिए, मेरा दिमाग मत खराब करिए। मैं नाटक करूंगी ना, मेरे पास और कोई कंटेंट तो पड़ा नहीं है। मैं कब से परेशान हूँ तुमको तो शक्ल से, मतलब ऐसे ही भाई बहन होते हैं गाइस, इनको हर चीज ड्रामा ही लगता है। अभी तुम्हारे फोन ना मैं लॉक कर दूंगी। तो गाइस आप भी लोग विश करिएगा कि ये जो 4-7 4-7 ट्राई कर रही है खुल जाए, क्योंकि अगर नहीं खुला तो गई काम से। तुम मत ट्राई करो यार, पता है मुझे मैक्सिमम इतना पता था कि 1 आवर के लिए लॉक होता है, लेकिन 1 आवर के बाद मुझे नहीं पता यार कितने बार लॉक, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी बहन का भी खोलती थी ना, ऐसे ट्राई करती थी जब मैं छोटी थी, जानू बस फोन नहीं था तो। हाँ, गेम वेम खेलने के लिए, तब मैक्सिमम 1 घंटे का मैंने सुना है और उसके बाद मुझे नहीं पता है। 12 घंटे का होता है उसके बाद आएगा, 12 घंटे का, 12 घंटे का होता है। एक चीज तो मेरा कंफर्म है कि मैंने आज से पहले जितना भी पासवर्ड डाला है ना इसमें, अभी तक ट्राई किया है, वो सब मेरा पासवर्ड हिस्ट्री में मेरे पासवर्ड थे, लेकिन लेटेस्ट वाला पासवर्ड नहीं आ रहा। 4-7 4-7 ट्राई करूं।
मुझे इतना याद है कि मैंने अपर वाली चीजें नहीं ट्राई की क्योंकि मैंने एक हफ्ते पासवर्ड चेंज करते वक्त क्या अपने माइंड में रखा था, मैंने माइंड में ये रखा था कि इजी हो, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे उंगली ना घुमाना पड़े। हाँ तो एक ही जगह पे तो 6969 एक जगह पे, 4747 में तो एक ही जगह पे है, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। तो लेकिन पता है चीज क्या है बात की, मैंने 6996 ट्राई कर लिया, मैं ना करूँ 4747 ट्राई करूँ, नहीं मैंने 4774 ट्राई कर लिया, इसके पहले आई थिंक 7077 था आई थिंक, इतना नहीं याद रहा था, फेस आईडी का जमाना भैया मेरा तो 2828 मैं बर्थडे 20th ऑफ मार्च को है। यार ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना कि कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में ना तो वो पहले चुप रहिए, आप जीमेल आईडी भी भूल गए थे, हम लोग यूट्यूब चैनल का आईडी पासवर्ड भूल गए थे। 4747 ट्राई जा रहे हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, मेरा दिल एकदम धक-धक कर रहा है। लेकिन यार मैंने 4774 ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे यहीं पे पता है किशन, लेकिन मुझे ये याद नहीं है ना कि इससे पहले बार जो मेरा पासवर्ड था वो यहीं कहीं से खुल रहा था, लेकिन अभी मैं नहीं पता, कल दीदी ने बहुत पार्ट्स में शॉर्ट्स भी बनाया, वो भी इनका सारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि अगर स्टार्ट होगा तो डिलीट हो जाएगा। हाँ वो शॉर्ट्स भी डिलीट, हाँ तो रहेगा थोड़ी ना आपके लिए, अरे आपका पिंटरेस्ट वगैरह मत रुलाओ यार, ये तो मुझे इतना रोना है तो मैं कैमरे के सामने रो भी नहीं पाती हूँ, पता नहीं लोग कैसे रोते हैं। 4747 हर हर महादेव खुल जाए, खोलूं? हाँ पता नहीं यार, अरे यार अरे यार अरे यार, ओम नमः शिवाय, डिलीट करके पहले पूरा खुल जाए। मान लीजिए आपकी बिल्ली रहती है, गलती से कोई और पासवर्ड टाइप कर देती, वो तो क्या करती उसका उसका पूछ पड़ कैसे से घुमा देती, मुझे हंसी आ रही है अपने बेवकूफी पे। मत करो वो हो जाता, यूट्यूब वाले वो कर देंगे स्ट्राइक देने में। क्या हो रहा है यार, होली के दिन मैं गिरी हूँ और अभी मेरे साथ, मेरे ऊपर कोई बुरी नजर तो नहीं है? तुमको याद है क्या नहीं कभी मतलब मैंने ट्राई किया तो पहले हम ट्राई करते थे आपको देखने लिए, हम बिल्कुल छोड़ दिया, किसी लायक नहीं है तो 4747 आखिरी लॉक कर दिया जाए। हाँ लॉक कर दिया जाए अगर नहीं होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, रिस्टार्ट का भी ऑप्शन नहीं है, देख लो कहीं भी नहीं है। और रिस्टार्ट कर भी देंगे ना तो आपको एप्पल आईडी का पासवर्ड चाहिए, वो आपको पता नहीं क्या है बहुत पहले किया, और वो बताया भी नहीं जाता किसी को। 7890 भी तो हो सकता है, किया था आपने? नहीं ना मैंने 7890 ट्राई किया ना मैंने 4747, कौन सा ट्राई करूं तुम बताओ? आप जैसे लोग तो बुद्धू होते हैं जो सेवन ये 4747 यार फेस आईडी तो इतना सुनो, इतना तो दिमाग होना चाहिए, फेस आईडी खोलना चाहिए ना, वो बंदा खुद ही चोर थोड़ी ना फेस आईडी से खोल लेगा। वही मैं भी सोच रही थी कि यार अगर मेरा फोन है, अगर मेरा फोन किसी और ने चुरा लिया तो ऑब्वियसली उसकी फेस आईडी से नहीं खुलेगा, तो फेस आईडी तो रखना चाहिए। अगर ये मेरा फोन है और मेरे ही फेस आईडी से नहीं खुला तो यार मतलब क्या हुआ? बेवकूफ आईफोन वाले कुछ किसी काम के नहीं है। माय गॉड थ्री आवर्स 3 घंटे के लिए अब टीवी से आपको काम चलाना पड़ेगा। टीवी की बात नहीं है यार, उसमें मैं पूरा अपना एडिट वगैरह करती हूँ, मैं कैसे करूंगी, मेरा कल वीडियो कैसे आएगा, कैसे पड़ेगा? मत डालिएगा ये दो दिन वीडियो, वीडियो भी नहीं पड़ेगा यार, वो बात नहीं है यार, तुमको पता नहीं यूट्यूब का एल्गोरिदम, एक दिन वीडियो ना डालो तो भाई एक दिन वीडियो बना रहा तो अजीब भी हो जाता है यूट्यूब को, डर लग जाता है। मतलब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा फोन नहीं खुल रहा है, मम्मी को क्या है बेटा स्कूटी अंदर रख दो, आपको लगता है मैं स्कूटी अंदर रखूंगी? नहीं मैं ऐसी पड़ी रहूंगी जब तक मेरा फोन खुल नहीं जाता है। बैठ के पश्चात वो करिए, रिग्रेट करिए और सोचिए अब क्या सोच रहे हैं। हाँ पश्चाताप, कुछ भी हिंदी आती नहीं है, आई बड़ी आ रही है आप। अरे मम्मी देख रही खुद का फोन खराब कर दिया मेरे पर, वो सोचो कि तुम्हारे पर तकिया को किशन, वो देखो ये भी सेकंड इसको चला नहीं जा फोन कर।
टूटा है, रुक मैं फोन टूटेगा तो फोन लेंगे हम। सर पे गिरेगा आपके ही। मारी खुश दीदी को मम्मी झाड़ू ला रही। आपको क्या डर, आपको तो यही खाती है झाड़ू से मार। आप तो डबल मार। मत करो यार। अब तो गए तुम कौन से क्यों मार रहा है मम्मी? देखो तो पीछे रिपोर्ट है। यहाँ खेलिए। इतना तेज क्यों मार रही है? मेरे कैमरे पे लग रहा है बार बार। वो देखो कौआ। वो देखे पीछे बिल्ली। नीचे देखिए। ओके गाइस, तो मेरा फोन तो खुलने से रहा एंड पापा भी है नहीं एंड मम्मी भी शादी में जा रही है एंड पापा भी शादी में गए हैं तो पापा भी रात। ओके गाइस, तो पापा भी शादी में गए, मम्मी भी शादी में जा रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग पिज्जा पार्टी करेंगे। ये मेरा भी फोन लॉक है उसकी खुशी यानी उसके। भैया कैसे करेंगे? ऑनलाइन तो होगा नहीं, ऑनलाइन आपके फोन में ही होता। ऑनलाइन नहीं है मेरे में। मैं कैसे दूंगी और क्या? ओके गाइस, तो अब हम लोग करेंगे पिज्जा पार्टी एंड जब पापा आएंगे तब मैं जाऊंगी एप्पल स्टोर, जहाँ से मैंने फोन लिया था मैं वहीं जाऊंगी इसे रिस्टार्ट करवाने के लिए। हमेशा कहती है मेरा ऑर्डर आता है, इनका ऑर्डर आया इस बार। फोन लॉक हो गया। चार्जर प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, सेल में मिल रहा था इसलिए। हाँ, 4000 का था और 3900 का सेल हुआ। 3900 का लिया। 100 रुपए भी बहुत होता है। मैं चार्जर लेके आई है। क्यों? क्या ऑर्डर करना मेरे फोन से? इसलिए बाद में लाएंगे। मत लाइए, ठीक है, बाद में ऑर्डर करेंगे। गाइस, तो हमारा पिज्जा आ चुका है। अरे, तो ऑनलाइन नहीं हो पाया क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन मैं अपने फोन से पे कर दी बट मेरे फोन में लॉक लग चुका है। तो मैं कैश लेकर गई थी बट मेरे पास भी वो कैश था बट चेंज नहीं था। उन्होंने बोला कि मैम मेरे पास तो चेंज नहीं होगा, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो बाकी का पैसा बच रहा है आप उसको रख लीजिए। तो उन्होंने बोला थैंक यू। मैंने बोला चलो यार, कुछ तो काम आई मैं। तो गाइज, जो सुबह अंकल आए थे वो उन्होंने ये वाला बेडशीट दिया एंड ये वाला आई थिंक मेरे रूम से बहुत अच्छा मैच करेगा, तो ये वाला बेडशीट मैं लूंगी, पिंक पिंक, क्योंकि दीदी का फेवरेट है पिंक कलर। क्योंकि नहीं, मेरा पिंक कलर फेवरेट नहीं है। एंड ये हमारा पिज्जा, हमारे यहाँ डोमिनोज नहीं आता है ना, बट जहाँ से ये लोग मंगाते हैं इनका मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है बट थोड़े से एक्सपेंसिव है एंड इनमें डिस्काउंट भी नहीं लगता है। बस अगर आप 1000 का करोगे, 2000 का करोगे बट इनका डिस्काउंट बस यही होगा 50% मैं कह रही हूँ, बस 50 रुपये डिस्काउंट देंगे। और सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी होगा वो भी लेते आना एंड मैं कोक पीऊँगी, डाइट कोक नहीं, कोक पीऊँगी। एक कम कह दो करता नहीं। बस कोका कोला है, पेप्सी है, ये स्प्राइट है, मुझे स्प्राइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये कॉफ़ी वाला है और ये डाइट कोक है, दीदी पीती है डाइट कोक, तो हम लोग इसमें से एक भी नहीं पीने वाले हैं, हम लोग ये पियेंगे माउंटेन ड्यू। माउंटेन, ओ सॉरी, लो बाबू मैं ये, आई नो पता, सीजर आपने मांगा, रुक जाइए। नहीं, माउंटेन ड्यू नहीं मैं पीऊंगी। तब क्या पियेंगे? माउंटेन ड्यू मेरे लिए कोका कोला लेकर आओ यार, इनके तो अलग ही रख रहे हैं। इसमें से थोड़ा सा मैं भी लूंगा क्योंकि मैं माउंटेन ड्यू रख लेता हूँ, क्योंकि तुमने वो चॉकलेट शेक लिया ना तुमको मिलेगा। ठीक है, तब मैं माउंटेन ड्यू पी लेता हूँ। वैसे तो खराब भी नहीं है माउंटेन ड्यू, इट्स गुड। मैं सीजर डालना भूल गया। वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। एक्स्ट्रा चीज मंगवाया था लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है। एंड सेकंड पिज्जा ये है हमारा। पीओ के शर्मा रहे हो, तुम्हारे भी मैंने एक्स्ट्रा चीज करवाया था बट नहीं है इसमें। दिस इज लास्ट वन। यार इनकी काली नजर पड़ गई खुशी दीदी की और पूरा गिर गया। और पता है गाइस, ये लोग पिज्जा के ऊपर ना वो टोमेटो सॉस डाल के खाती हैं। प्लीज ये इल्जाम मत लगाओ, ठीक है? इनका फोन लॉक हो गया और ये पिज्जा खा रही है, सारा नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। ओके, 3 घंटे हो चुके हैं और फिर आप से आप देख सकते हो 6:44 हो रहा है टाइम, मतलब सच में 7 बजने वाले हैं। एंड लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो उसने बोला 3 घंटे बाद करना, तो फाइनली 3 घंटे हो चुके हैं, तो मैं फिर से ट्राई करने वाली हूँ। मैं फिर से एक पासवर्ड डालने वाली हूँ जो मुझे लगता है हो सकता है, ट्राई करते अगर ये नहीं हुआ ना। लास्ट टाइम क्या ट्राई किया था? लास्ट टाइम मैंने 4747 किया था। मुझे कोई आइडिया नहीं कि और मैं कौन सा पासवर्ड डाल सकती हूँ, तब अब मैं जाऊँगी एप्पल स्टोर में और मुझे अपना फ़ोन रिस्टार्ट करवाना ही पड़ेगा। तो अभी जो मैं ट्राई करने वाली हूँ जो मुझे लगता है हो सकता है, वो है 3690।
3, 6, ओम नमः शिवाय। अरे यार 8 घंटे के लिए दिखा, यानी कि ये फोन 8 घंटे के लिए लॉक हुआ। कुछ भी कर लो, इस फोन को नहीं खोल पाओगे। दीदी को गुस्सा आ गया क्योंकि उनको रोना आ रहा है। यार क्यों नहीं गुस्सा आएगा यार। गैस में थोड़ा सा 2 पीस, तो ये मैं फ्रिज में रख दूंगा। जब मेरा मन करेगा रात को क्रेविंग हुई तो मैं इसको ओवन में गर्म करके खा लूंगा। ओपन करके ब्लू वाला लाइट जला देते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे ब्लू लाइट। आप इस गाने पे डांस कर पाएंगी? आपके अंदर इतना हिम्मत है? मुझे लगता है सर। अब हम लोग जा रहे हैं रोड तक। पापा मतलब शादी से आ गए हैं, एंड अगर वो फिर से घर आएंगे फिर घर से फिर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं रोड तक। फिर पापा वहां पे आएंगे गाड़ी लेकर, फिर हम लोग मॉल जाएंगे। एंड हमने मम्मी वो बिल वाला लिए हैं आप? हाँ। ये फोन लिया था तब जो हमें बिल मिला था वो भी लेकर जा रहे हैं एज अ प्रूफ, क्योंकि विदाउट बिल आई डोंट थिंक सो वो लोग रिस्टार्ट करेंगे। वो लोग बोलेंगे आप लोगों ने चोरी का फोन लाया है। मैं टेंशन में है कि मैं शूज पहनना भी भूल गई। पापा आ चुके हैं। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं मॉल में एंड हम लोग जा रहे हैं एप्पल स्टोर में। लेट्स सी खुलता है कि खुलता है। तो गाइस जब हम लोग एप्पल स्टोर गए तो वहाँ का स्टाफ बोलने लगा कि हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करना। एंड वो नंबर था एप्पल कस्टमर केयर का। तो उसने बोला अगर इसके बाद भी नहीं हुआ, अगर आपको हेल्प नहीं मिली तब आप मेरे पास आना। तो हमने बहुत बारी रिक्वेस्ट भी करी कि अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो कर देना, बट वो बोल रहे थे कि जो एप्पल कस्टमर केयर वाले होते हैं वो सिर्फ उसी इंसान से बात करते हैं जिनका फ़ोन होता है। वो कह रहे थे इवन ये फ़ोन आपका है तो आपके पेरेंट्स भी, आपके खुद के पेरेंट्स या फिर भाई बहन भी कस्टमर केयर पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिसी में नहीं है, मे बी उनकी कोई प्राइवेसी हो। तो फिर मैं उनके दिए गए नंबर पे कॉल कर रही थी बट बार बार यही आ रहा था कि जो स्टोर है वो अभी क्लोज है, आप कल ट्राई करना। तो उनका नंबर ले लो। बिल पे आप ही का नंबर है ना, यहीं से लिया था मैंने फोन। पापा कह रहे हैं कुछ खा लो, मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा। ये देखो अपने स्टोर पे ताला लगा रहा है, मे बी इनको घर जाना था इसीलिए बोला कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते अभी। बट मैंने देखा कि KFC में आके KFC खा रहे हैं। गाइस तो आज डे 2 है एंड अभी तक मेरा फोन नहीं खुला, मैं आपको दिखाती हूँ। 7 घंटे और 56 मिनट्स हो गए थे तो मैं रात में जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि दिखा रहा था कि आप एक बार और ट्राई करिए। मैंने ट्राई किया जो मुझे लगा कि हो सकता है, लेकिन अब तो वो भी नहीं दिखा रहा है कि आप इतने घंटे बाद ट्राई कर सकते हो, बस ये लिख रहा है कि आईफोन अनअवेलेबल। मैं जब कल एप्पल स्टोर में गई थी तो उन्होंने बोला कि आप इस नंबर पर कॉल करके बात करो, तो एंड उन्होंने मुझे नंबर भी नहीं दिया। वो कह रहा है कि 0303 होता है, मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने देखा कि इस पर तो कोई कॉल ही नहीं जा रहा, अनवैलिड नंबर है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि एप्पल कस्टमर केयर का नंबर क्या होता है, तो गूगल पे भी नहीं आ रहा था। फिर मैं उनके पास गई, मैंने बोला प्लीज़ भैया आप उनका नंबर दे दीजिए एप्पल कस्टमर केयर का, तो फिर उन्होंने दिया। एंड मैंने बोला कि आप थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिखा था कि हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया, पापा ने भी बोला कि अगर आपसे थोड़ा सा भी हो सकता है हेल्प तो कर दो, तो उन्होंने बोला नहीं। एंड गाइस मैंने फ़ोन भी उन्हीं के स्टोर से लिया था, तो यही होता है जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं ना तो दुकानदार वाले कहते हैं कि ये भी अच्छा लगेगा, ये भी आपके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगेगा। एंड वही अगर हम कपड़े भी एक्सचेंज करवाने जाना तो वो ऐसा मुंह बनाएंगे कि भाई कहाँ से हम आ गए। आज मैं बात करने वाली हूँ उसी कस्टमर केयर पर, क्योंकि कल रात में जब मैंने कॉल किया था तो कह रहा था कि ये स्टोर अभी बंद हो चुका है, ट्राई लेटर। तो कल तक बता रहा था कि इतने देर बाद आप ट्राई कर सकते हैं, बट अब वो भी नहीं दिखा रहा, बस यही लिख रहा है आईफोन अनअवेलेबल। एप्पल सपोर्ट जी बताइए मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरा फोन जो था मैं तो मैंने कस्टमर केयर एप्पल के कस्टमर केयर से बात कर ली है एंड उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। एंड उसमें 3 स्टेप थे, पहला तो बहुत ईजी था मतलब आपका एक ही दिन में हो जाता, दूसरा था मतलब वो भी इजी था, एंड जो थर्ड वाला था वो टाइम टेकिंग है रिकवरी करने में आपकी एप्पल आईडी एंड पासवर्ड एंड अपने फ़ोन को रीसेट करने में। तो
पहला दूसरा तो होने पाया तो मैंने तीसरा वाला किया है। तीसरे वाले में ये है कि आपका वो फोन पूरा रीसेट हो जाएगा, लाइक हर एक चीज डिलीट हो जाएगी, जैसे न्यू फोन हम लेते हैं ना वैसा हो जाएगा होगा। एंड उसके लिए 24 आवर्स से लेकर 15 डेज का टाइम लग सकता है। मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है लाइक सच में, बट थैंक गॉड कुछ तो हुआ।